लद्दाख भारत का सबसे बड़ा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, जहां पे हर एक यंगस्टर का आजकल में की सपना रहता है कि उसको लद्दाख जाना है। तो फिलहाल आपको इंट्रो से थोड़ा बहुत पता लगा ही होगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी स्टार्ट हुई थी डे वन ऑफ ट्रिप टू लद्दाख। तो फिलहाल अभी है आज जून का महीना, तो अभी थोड़ा महीना वहां पे अच्छा ही चला जाएगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा था यहाँ पे जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर है वहां पे 8 से लेके 1 डिग्री तक रहेगा, तो थोड़ा अपना रहेगा कि हम ठंड में चले जाएंगे, एंजॉय करके आएंगे। और मैं लद्दाख एक बार पहले भी गया था, तो लद्दाख मोस्टली हर किसी का एक सपना होता है कि लद्दाख घूम के आना है, बाइक से होता है, गाड़ी से होता है। हम जैसे बाई एयर जा रहा हूँ दोबारा सेकंड टाइम, मेरा अभी भी सपना है कि मैं बाइक से जाऊँ। आई होप सो कि मैं फ्यूचर में जा पाऊंगा। तो लद्दाख सबसे सिचुएटेड है हमारे सबसे नॉर्थ में और सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी इंडिया की अभी फिलहाल में ये। और काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि यहाँ जाना बहुत ज्यादा टफ होगा, तो ज्यादा टफ नहीं है। आप मेरे साथ देखना कि मैं कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ आपको डिटेल शेयर करूंगा, कहाँ से मैंने पैकेज किया, कहाँ से मैंने फ्लाइट ली, जितना रीजनेबल हो सके सब कुछ मैंने ट्राई किया अच्छे से अच्छा करने का। तो फिलहाल अभी तो लगेज मैंने अपनी कैब में पहुंचा दिया है और अब अपने चलते हैं हम भी बाहर, फिर आपको मिलते हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि अब हो रहा हम लेट। सो कम ऑन लेट्स गो। तो फाइनली अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये रहा मैं, बाकी कैब से सारा सामान उतार लिया है और ट्रॉली में लोड कर लिया। तो बाकी टीवन तो काफ़ी टाइम बाद आया है, पहले आया करते थे जब ये द्वार रेनोवेट वगैरह हुआ है गैस, तो अब तो काफ़ी सही करती है, पर यहाँ पे ना लाइन की बड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलो कोई नहीं, चलता है, लेट्स गो। तो फिलहाल मतलब T3 भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो T1 को भी उन्होंने थोड़ा बहुत तो कर दिया। पर मैंने एक चीज़ देखी जैसे कि मेरे हिसाब से ना शायद जैसे इंडिगो ऑपरेट करते हैं यहाँ से आए गए, क्योंकि इंडिगो के ही यहाँ पे मोस्टली प्लेन्स का स्टाफ इंडिगो का ही था, बाकी अच्छा तो काफ़ी बना ही दिया है। और मतलब थोड़ा था कि यहाँ के जैसे CIA से जो भी यहाँ पे स्टाफ होता थोड़ा उनको थोड़ा संभाल नहीं पा रहे थे, वो जैसे मैं अंदर घुस गया था, फिर मुझे बोला कि वापस बाहर जाके दोबारा अंदर आओ। मैं आया तो मशीन के अंदर ही था। अब बेसिकली क्या था कि वहाँ मेरे से पहले एक अंकल जो आए थे उनकी बेल्ट रह गई थी, तो उनके चक्कर में मुझे भी नहीं जाने दिया, मतलब पता नहीं क्या है जो भी है। और ट्रेज भी बहुत छोटी छोटी थी, सामान भी ढंग से नहीं आ रहा था, थोड़ा सा है यहाँ पे दिक्कत अभी। कोई नहीं, शायद अभी ये बन रहा है, थोड़ा टाइम बाद सही हो जाए, तो होप सो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल अभी तो यहाँ से एक कॉफ़ी यहाँ से कराई है और यहाँ से भी एक वो कराया है पैक पिज़्ज़ा समथिंग, क्या है इटालियन क्लोज पिज़्ज़ा, खाते देखते भूख लगे बहुत। आगे पहुंच चुके हैं, मेरी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, बाकी बस ने ड्रॉप कर दी और ये रहा प्लेन। तो फिलहाल अभी चलते प्लेन के अंदर, अभी मम्मा की वेट कर रहे हैं, मम्मा लास्ट में थी बिल्कुल, तो सारे साथ चलते और बैक गेट से एंटर करेंगे वहाँ से। तो कम ऑन लेट्स गो हेड टू ले। तो फाइनली फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं और दो विंडो सीट मिल रही थी, एक ये आगे है और एक मेरे पीछे है, और पापा मम्मी आगे, मैं और बहन पीछे, और एक सीट हमें खाली मिली है दोनों मेरे हिसाब से। अब तक तो कोई आया नहीं, गेट बंद हो चुका है। तो बाकी जिस सीट की मेरे को वेट थी, जिसके लिए मेरे को व्लॉग शूट रील शूट करनी थी, वो मुझे मिल चुका है, वो यही सीट है। और ना जब भी लद्दाख जाना था तो राइट सीट प्रेफर करी जाती है, सब बोलते हैं। लास्ट टाइम मैं लेफ्ट साइड बैठा था, पर कोई नहीं, इस बार मैंने राइट साइड कराई, तो आई होप सो कि वहाँ वेदर अच्छा रहे और हम देख पाए। सो बोलो त्रियंबे मात की जय। क्लियरली दिख रहा है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल क्लाउड्स। लद्दाख आने का बस एक यही मज़ा है कि फ़्लाइट का एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ा होता है, तो एक बार ना ज़रूर करना चाहिए। फ्लाइट स्कूटी से तो आप कर लोगे, गाड़ी से भी कर लोगे, पर अगर फ्लाइट से ज़रूर करना, क्योंकि ये भी नेक्स्ट लेवल। तो गाइस दिल थाम के बैठो, जो मैंने व्यू दिखाना था फिलहाल वो आना शुरू हो चुका है। मुझे नहीं पता कि आगे बादल होंगे क्या होंगे, तो अभी वो दिख रहा है, तो अब हम आपको वो मतलब व्यू दिखाते हैं, जिसके लिए राइट साइड वाली सीट प्रेफर करूंगा मैं आपको, कि लद्दाख का भी फ्लाइट है तो हमेशा राइट साइड वाली सीट लेना, विंडो सीट। सो कम ऑन लेट्स गो। फाइनली भैया मिल गया, और मेरा नाम का नेम टैग था उनके हाथ में, तो ये एयरपोर्ट यहाँ का। तो बादल
हो रहे हैं काफ़ी, आएगा स्नोफॉल के चांसेस, खारदुंगला उस साइड है, सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। पहले टैक्सी तक चलते हैं एक बार। वेलकम हो चुका हमारे लद्दाख में, ये भैया ने पकड़ा हुआ था, अब हम इसे लेके चलते हैं। कम ऑन लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लेह लद्दाख। एक बार थोड़ा इधर साइड दिखाए कमरा में, तो ये हमारी पार्किंग थी होटल की। तो फिलहाल अभी तो हम लोग पहुंच गए थे, हमारी टैक्सी ने हमें ड्रॉप कर दिया था और रूम वगैरह भी हमें अलॉट हो चुके हैं। तो कम ऑन लेट्स गो। तो ये कुछ रूम है हमारा, तो दो सेपरेट बेड्स मिले हमें, बाकी ये प्रीमियम रूम है यहाँ का। तो अब प्रीमियम रूम के लिए हमें प्रीमियम बालकनी मिले, तो वहां चलते हैं। पहले कैमरा में यहाँ से दिखाओ जरा, थोड़ा आओ, खोल दें कर्टेंस। सो 3 2 1 टाटा। तो हम चलते हैं बालकनी की साइड। सबसे हाईएस्ट प्लेटू है इंडिया का, जो यहाँ पे काफी बड़ी सिटी है ले, इसकी जो मतलब मेन सिटी ले है, यहाँ से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो टूवर्ड्स नुब्रा और उसका पैंगोंग, सोमरीरी, हान ले, काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स मिलेंगे। लेकिन हम लोगों ने 7 डेज किया तो सब कुछ कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज फर्स्ट डे है, तो आज फर्स्ट डे हमेशा आपका होगा रेस्ट डे। तो आज आपको हमेशा जब भी लद्दाख आना है, चाहे आप गाड़ी से आए, फ्लाइट से आए, और मैंडेटली तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको रेस्ट करना है फर्स्ट डे। और जितना हो सके उतना कम बोलो, गर्म पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, लिक्विड लो जितना ज़्यादा हो सके, खाना कम रखो। बाकी आपके सामने इधर दिखाओ, ये जो सामने आप देख रहे हो ये लेह रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, तो वैसे तो मेरे को जब मैं लास्ट टाइम लद्दाख आया था तो मेरे को हमारे होटल ने बताया था कि यहाँ पे ट्रेकिंग भी होती है, तो फिलहाल ट्रेकिंग तो घरों के साथ हो नहीं पाएगी। और अभी यहाँ पे ना काफ़ी बैड वेदर भी है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, स्नोफॉल में आपको बता रहा हूँ हो ही रही है। बाकी हमारा होटल काफ़ी दूर है सिटी से, कर्मा रेजिडेंसी का नाम है, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ के होटल स्टाफ का नंबर, जैसे हमने यहाँ से सारा कुछ इनसे पैकेज लिया है। फ्लाइट हमने खुद करी थी एक्सीगो से, तो वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ का सब प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे अब हमारा टोटल स्टे रहेगा, फर्स्ट डे हम यहाँ पे लेह में हैं, सेकेंड डे हम लोग लेह में ही रहेंगे और हम जाएंगे संगम पॉइंट, जहाँ पे आपके चिनाब और इंडस रिवर मिलती है, और 2-4 पॉइंट्स हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा में सब करेंगे। देन हम जाएंगे अगले दिन नुब्रा, खारदुंगला पास होते हुए, फिर उसके बाद हम नुब्रा में उस दिन स्टे लेंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की एक मोनेस्ट्री जो वहाँ पे वो बुद्धा जी की स्टैचू है वो, उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे स्टे रुकने के लिए हुंदर में। देन हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे तुरतुक, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे तुरतुक एक्सप्लोर रहेगा पूरा। थान विलेज आएगी, सब ओपन हो चुकी है, बाकी जब मैं लास्ट टाइम आया तो बंद थी। इसके बाद हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स पैंगोंग, पैंगोंग में हमारा एक दिन स्टे रहेगा। लास्ट डे हम दोगे लद्दाख, यहाँ पे हमारा एक दिन स्टे है, फिर उससे नेक्स्ट डे हम लोग वापस चले जाएंगे। तो ये कुछ हमारा प्लान रहेगा, बट अगर आप लोग पहली बार लद्दाख आ रहे हो तो यही रूट आप प्रेफर करना, लेकिन अगर आप एक बार आ चुके हो तो उसके बाद आप एक्सप्लोर करना टूवर्ड्स आपका हानले, हानले की साइड जाना आप, वहाँ पे आपको मिलेगा सबसे हाईएस्ट, जहाँ पे आपको आंखों से आप स्टार गेजिंग कर सकते हो, गैलेक्सी दिखती है, लेजेंड मिल्की वे बोलते हैं दिखता है वहाँ पे, वो पैंगोंग से बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है, वहाँ से आप सोमरीरी होते हो लद्दाख आ सकते हैं। तो ये कुछ रास्ता रहेगा, ये कुछ आपके प्लान्स रह सकते हैं अगर आप आओगे। बाकी आपको पता है कि लद्दाख हर किसी की एक ट्रैवल लिस्ट में रहता है कि सबको आना है, तो ये लद्दाख है। तो फाइनली हमारी चिकन बिरयानी आ चुकी है, और ये वेज क्या है, फ्राइड राइस, और बादल अब देखो नीचे आते जा रहे हैं। तो वैसे तो बालकनी बैठने का मन था पर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अंदर बैठ के खा लेते हैं और रेस्ट करते हैं, आज रेस्ट डे है, तो पहले खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। आपने अब खोल दिया, अब क्या ऊपर से दिखाएं, देखो अभी भी है, बढ़िया है यार, कोई नहीं मैंने इधर से दिखा दी, चलो खाते हैं। तो फाइनली सोकर उठ चुका है और अभी टाइम हो रहा है कुछ 8:17, तो डिनर का टाइम हो चुका है, और फिलहाल कुछ सीन ऐसा है रूम का, थोड़ा भी सो के उठे ना तो थोड़ा सेट वेट है नहीं, क्योंकि आज रेस्ट डे था। उनका कॉल आया था बाहर जाने के लिए, बट मैंने मना कर दिया कि आज नहीं यार, लास्ट टाइम भी दिक्कत हो गई थी,
हाँ एक चीज़ और थी यहाँ पे, BMW का अभी यहाँ पे लॉन्चिंग हुई है, जो 1300 आई है अभी, आई डोंट नो कि उसका एग्जैक्ट नेम क्या है, BMW 1300 लगा लो आप। अभी यहीं पे इवेंट हो रहा था, हमारे होटल में रुके हुए हैं सारे वो लोग, तो कोई नहीं अभी डिनर टाइम हो रहा है क्योंकि 8 बजे होना था और 8:18 हो चुके हैं, तो चलो चलते। तो फिलहाल अभी तो फुल अंधेरा हो रहा है, ये रहा मैं, और वापस बादल हो चुके हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने खाना खा लिया है, और आज जैसे कि था यहाँ पे वेजिटेरियन खाना था, मैंने जैसे पूछा था कि नॉन वेज है, तो उन्होंने बताया कि एक दिन वेज होता है और एक दिन नॉन वेज होता है, मतलब जिस दिन नॉन वेज उस दिन वेज तो होता ही है, बट ऐसे चलता है एक दिन नॉन वेज एक दिन वेज। बाकी कुछ ये बाहर बैठने की जगह है, ये रेस्टोरेंट था जहाँ हमने खाना खाया, मैं सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, बाकी यही हमारा रूम है जो आपको दिख रहा है ना बालकनी, मैंने सोचा थोड़ा सा अपना वॉक कर लेते हैं, सही रहेगा यार, रिफ्रेशिंग सा रहेगा थोड़ा सा ना, बस और कुछ नहीं है। तो बाकी वेदर थोड़ा अब ठंडा हो गया है तो प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली। चलो कोई नहीं, अब सुबह मिलते हैं आप लोगों से, अपना रेडी वेडी होके। सो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं सुबह।